जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कृष्णा हैंडमेड सिल्क थ्रेड ज्वेलरीज। आज मैं आपको एक नया डिजाइनर सेट बनाना सिखाने जा रही हूँ। रेड एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का डिजाइनर बैंगल सेट आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वही प्लास्टिक की बैंगल्स लेंगे और उस पे रेड कलर के सिल्क थ्रेड से बैंगल को लपेटेंगे, इस तरीके से जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरीके से पूरी बैंगल्स को कवर अप करके एक बैंगल्स का रेड कड़ा कड़े का बेस रेडी कर लेंगे। तो बेस जब रेडी हो जाएगा उसके ऊपर हम डिजाइनिंग करेंगे, एंड में इसको काटेंगे, धागे को बचे हुए धागे को काट कर इसके ऊपर फेविक्रिल लगाकर कैंची से काट के इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए बेस बनके रेडी हो गया है। अब हम इस पे फेविक्रिल की सहायता से रेड कलर के स्क्वायर शेप के कुंदन लगाएंगे। ये देखिए लाइन से सीक्वेंस से लगाएंगे इनको, रेड कलर के ये स्क्वायर शेप के कुंदन हैं। इनको कड़े पे इस तरीके से पेस्ट करेंगे अच्छे से। तो हम पूरे कड़े पर इस तरीके से ये स्क्वायर शेप के कुंदन लगाएंगे, बीच में लगाएंगे इसको सेंटर में, ठीक है, और इस तरीके से पूरे कड़े पे इसको हम पेस्ट करेंगे, एंड तक इसको पेस्ट कर लेंगे। अब हम सिल्वर कलर की चेन लेंगे और उसको किनारे किनारे जो हमने स्क्वायर शेप के कुंदन लगाए हैं उसके किनारे किनारे लगाएंगे और इसको जितना मतलब उसके अकॉर्डिंग कट करके अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब हम कड़े के सेकंड साइड भी सेम चेन से, सिल्वर कलर की जो चेन होती है उसको लगाएंगे इस तरीके से और अकॉर्डिंग टू साइज काट देंगे। इसको बहुत अच्छे से पेस्ट करेंगे। अब हमें अच्छे से पेस्ट करके देखना है और ये देखिए दो कड़े बनाने हैं हमें रेड कलर के। ये दो रेड कलर के कड़े बन गए हमारे साइड के। अब हमें व्हाइट कलर के कड़े बनाने हैं, सेम डिजाइन के व्हाइट कलर में हमें बनाने हैं। तो अब हम व्हाइट कलर का धागा लेंगे सिल्क थ्रेड और उसके बाद प्लास्टिक की बैंगल्स पे पेस्ट राउंड करते हुए लपेट के बेस रेडी करेंगे। बैंगल का बेस रेडी करने के बाद फिर हम उस पे सेम डिजाइनिंग करेंगे जैसे हमने रेड कलर के कड़े पे की है। एंड में वही बचे हुए धागे को पेस्ट करके फेविकोल से अच्छे से कट करके पेस्ट कर देंगे। अब हमारा बेस रेडी हो गया। अब सेम डिजाइनिंग करेंगे इस पे जिस तरीके से हमने रेड कलर के कड़े पे की थी, वही हमने स्क्वायर शेप के वाइट कुंदन लेने हैं और इस तरीके से कड़े के बीच में हमें पेस्ट करनी है। इसको पूरा एंड तक हम ऐसे ही पेस्ट करते रहेंगे जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से। कड़ा तो रेडी होता ही रहेगा। खैर मैं आपको बता दूं कि आप भी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं अपनी बैंगल्स या फिर अपनी ज्वेलरीज, जैसे कि इयररिंग्स हो गए, फिंगर रिंग्स हो गई और अपने बैंगल्स हो गए, तो आप इस तरीके से अपनी ज्वेलरी कस्टमाइज करवा सकते हैं।
और आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू। हर वीडियो में मेरा लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का, और आप मुझे यूट्यूब के थ्रू भी डीएम कर सकते हैं। और आप ये ना, बहुत अच्छा इसका एक वो है कि आप रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं ये किसी को भी, जैसे कि आप किसी ब्राइडल को रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं, या किसी फंक्शन पार्टी में आप किसी को भी ये गिफ्ट दे सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिसको आपको मन करता है। अब इसमें भी वही सिल्वर चैन को लेंगे और उसके थ्रू हम इसके किनारे पे ये सिल्वर चैन पेस्ट करेंगे। ऐसे ही सेकेंड साइड भी इसी तरीके से पेस्ट करेंगे। फेविक्रिल लगा लेंगे, उसके ऊपर सिल्वर चेन लेंगे और सिल्वर चेन से इस तरीके से इसको अच्छे से पेस्ट करना है। अब दो हमारे व्हाइट कलर के कड़े रेडी हो गए हैं, इसके देख सकते हैं आप वीडियो में। अब हमें एक सेंटर कड़ा रेडी करना है, मतलब जो हम बैंगल्स के बीच में लगाएंगे वो कड़ा हमें रेडी करना है। तो उसके लिए सेम वही बैंगल्स का बेस रेडी करेंगे, थ्रेड के थ्रू लपेट कर बैंगल्स पे इस तरीके से, जिस तरीके से वीडियो में आपको दिखा रखा है। तो मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप इसलिए आप लोगों को गाइड करती हूँ ताकि आपको जो है डिजाइनर बैंगल्स बनाने में मतलब सुविधा रहे, हेल्पफुल रहे मेरी वीडियो आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको सीक्वेंस से हर एक चीज बताती हूँ अपनी वीडियो के थ्रू कि अब ये बैंगल्स डिजाइन करनी है और अब ये। तो देखिए हमारा बेस रेडी हो गया है कड़े के बीच वाले। उसके लिए अब हमें क्या करना है, इस पर डिजाइनिंग करने के लिए एक प्लास्टिक का शीट लेना है और उस पे रेड कलर के ड्रॉप ड्रॉप शेप के कुंदन लेने हैं और उस तरीके से डिजाइन करना है जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। एक फ्लावर बनाना है आपको, ठीक है, रेड कलर के ड्रॉप शेप के कुंदन से। देखिए फिर उसके ऊपर हम मतलब ये एक फ्लावर रेडी कर रहे हैं और इसको हम फिर उसके बाद सूखने के लिए रख देंगे। जब हम ये सूख के रेडी हो जाएगा उसके बाद हम इसको इसके ऊपर से उतार लेंगे प्लास्टिक की शीट पे से। इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब मैंने ये प्लास्टिक की शीट पे से उतार लिए हैं और मैंने लगभग 10 से 12 फ्लावर बनाए हैं ये, और मैं इस तरीके से फेविक्रिल की सहायता से इनको बैंगल्स पे पेस्ट करूंगी, मतलब बैंगल्स पे लगाऊंगी इस तरीके से वन बाय वन करके। आप देख सकते हो वीडियो में कि मैं कैसे कड़ा रेडी की हूँ फ्लावर्स का। ये फ्लावर्स को एक एक करके हमें पूरे कड़े पे लगा देने हैं। और ये हमारा एक सेंटर कड़ा, मतलब बीच में जो लगेगा कड़ो, मतलब बैंगल्स के बीच में जो हमारा ये लगेगा वो कड़ा ये है। इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे, कोई स्पेस नहीं देना है फ्लावर्स के बीच में, एकदम चिपका चिपका कर उन्हें लगाना है। ये ब्रॉड कड़ा बनेगा, फ्लावर से क्या होगा ना इसका लुक ही ब्रॉड आएगा, तो ये एक अलग ही ग्रेस देगा बैंगल्स के बीच में लगकर कड़ा। तो इसलिए मैंने ये डिजाइन किया। देखिए अब मैं सेट बना के आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए कितना ऑसम लग रहा है, मतलब बीच में जो कड़ा है उसका ग्रेस ही अलग आ रहा है इनके बीच में लग के। तो ये मेरा रेड एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का डिजाइनर बैंगल सेट रेडी हो गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा, और आप भी ऐसे और न्यू एंड लेटेस्ट डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपको न्यू एंड लेटेस्ट डिज़ाइन ऐसे ही बनाने सिखाती रहूं। जय हिंद।
जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।